इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, yes. नामकरण करने का अधिकार तो दिल्ली गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट का है, वो पंत प्रधान साहब उसका डिसीजन लेंगे। ये गवर्नमेंट दीपा पाटिल साहब को रिस्पेक्ट करती है और अच्छा उनका नाम करेगी, ये हमें विश्वास है और इसके लिए हमें हमारे पास कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसमें राजनीति घुस गई है, अभी राजनीति कौन कर रहे हैं वो तो लोगों को मालूम है, इसके लिए हम लोग कोई उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है, राजनीति हो रही है। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ शिवसेना के सीनियर लीडर और बेलापुर विधानसभा क्षेत्र के जिला प्रमुख विठल मोरे साहब हमारे साथ मौजूद है। मोरे साहब बहुत बहुत आपका स्वागत है। सवाल की शुरुआत आपसे यही करते हैं कि इस वक्त नवीनबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीपा पाटिल साहब का नाम दिलाने के लिए आंदोलन चल रहा है, मैं आपसे ये जानना ये चाहता हूँ आखिर वजह क्या है कि सरकार दीपा पाटिल के नाम को लेकर इतना सीरियस नहीं है। दीपा पाटिल साहब ये शिवसेना के नेता थे, अभी मेरे लिए या हमारे शिवसैनिकों के लिए दीपा पाटिल साहब हमारे लिए शिवसेना नेता है, लेकिन बाला साहब हमारे श्रद्धेय और हमारे शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ये पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए एक बड़ी ऊंची आसामी है। तो दीपा पाटिल साहब और बाला साहब ये दोनों में हम तुलना नहीं कर सकते, दोनों हमारे लिए श्रद्धेय है। अभी दुर्भाग्य की बात यह है कि आज जो आंदोलन हो रहा है, आंदोलन तो हम स्वीकार कर सकते हैं, आंदोलन को कोई विरोध नहीं होगा, डेमोक्रेसी में होना चाहिए, लेकिन बाला साहब का नाम इस एयरपोर्ट के लिए देने के लिए जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर को फॉलो किया गया है, लेकिन आखिर में जो प्रक्रिया शुरू हुई है वो प्रक्रिया हमारे जो यहाँ का सरकार है, राज्य सरकार है, उस सरकार के तौर पर वो प्रक्रिया चल रही है, आखिर में वो दिल्ली जाएगी क्यों, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, yes. नामकरण करने का अधिकार तो आखिर में दिल्ली गवर्नमेंट का है, सिंध गवर्नमेंट का है, वो पंत प्रधान साहब उसका डिसीजन लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर जो चल रहा है उसको हम लोग समझदारी से लेना चाहिए, यही मैं बोलता हूँ। सर जैसा कि आप कह रहे हैं कि ये सिडको महामंडल ने प्रस्ताव नामकरण का दिया था, सिडको महामंडल के पास 2012 से लगातार ये प्रस्ताव या मांग आ रही थी, इसे लेकर संसद और विधानसभा में भी इस मुद्दे को उठाया गया था जो सर्वोच्च एक तरह से सभा है, इसके बावजूद भी आपको नहीं लगता कि जिस नाम को उसके साथ जोड़कर देना चाहिए प्रस्ताव बनाते समय कि इस नाम की भी डिमांड आई है, लेकिन प्राथमिकता के तौर पर बाला साहब का नाम, बाला साहब ठाकरे का नाम इसमें दिया जा रहा है, आपको नहीं लगता कि सिडको और नगर विकास मंत्रालय से कहीं कुछ चूक हो गई है इसके प्रोसीजर में? देखिए मैं क्या बोला शुरू में ही, ये दोनों श्रद्धेय विभूति हमारे लिए तो मतलब दोनों शिवसेना के है ना, तो उसमें बाला साहब का ही नाम पहला आएगा। आज जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है उसमें एक बात जो सामने निकल कर आ रही है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पितृमोह में आ गए हैं और इसी कारण एक व्यक्ति विशेष का नाम देने की बजाय वो बाला साहब ठाकरे के नाम पर अड़े हुए हैं। नहीं ये बात मैं नहीं मानता हूँ, जब जो आपने देखा है, मैं देखा हूँ, मीडिया में आया है, सभी दुनिया ने देखा है, जब ये जो कमेटी है जो आंदोलनकर्ता की कमेटी है, उन लोग जब हमारे चीफ मिनिस्टर उद्धव साहब के पास गई तो उद्धव साहब ने बताया भाई बाला साहब के नाम का आपका विरोध है क्या? उन्होंने बोला नहीं, स्पष्ट हो गया बाला साहब के नाम के लिए हमारा विरोध नहीं है। अभी इतना स्पष्ट होने के बाद फिर बाहर दोबारा आंदोलन हो रहा है, तो बात आप डायरेक्ट वहाँ से जो बोल के आए उसी बात को लगकर के जाना चाहिए। अभी मैं बोलो ना, कोई भी शिवसैनिक, शिवसेना नेता, कोई मिनिस्टर दीपा पाटिल साहब के लिए कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है कि वो एक तपस्वी व्यक्तिमत्व है। तो क्या आपको लगता है कि यह आंदोलन राजनीति से प्रेरित है या राजनीति के लिए ही हो रहा है ये सब? अभी देखिए ये बात जो आपने बोली है लोगों के मुंह की बात है कि जब मुख्यमंत्री साहब के पास आप जब चर्चा करने के लिए गए, इसमें कोई रास्ता निकले तो मुख्यमंत्री साहब ने, अभी उनके पिताजी है बाला साहब, ये बात तो है ही है, लेकिन उन्होंने पूछा भाई आपको बाला साहब के नाम की कोई आपत्ति है क्या, आपको विरोध है क्या? लोगों ने बोला नहीं,
जो दोज वर लीडर, वो बोले नहीं हमारे कोई विरोध नहीं है। फिर उसके बाद में जो लोग बोले, जो प्रकल्पग्रस्त कह रहे हैं कि सरकार विकल्प दे रही है, विकल्प ये दे रही है कि नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़कर दूसरे किसी भी जगह पर किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का नाम दीवा पाटिल साहब के का दिया जा सकता है, इसलिए इस पर जिद ना करें, ये सरकार का कहना है। प्रकल्पग्रस्तों का कहना है कि मुख्यमंत्री को अपना बालहट छोड़ना चाहिए, और चूंकि दीवा पाटिल जी उस जमीन पर पैदा हुए, वहां उन्होंने संघर्ष किया, प्रकल्पग्रस्तों के लिए न्याय दिलाने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, इसलिए सिर्फ नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर नाम देने में हर्ज क्या है? आपको नहीं लगता सर कि ये जो इतनी बड़ी संख्या में प्रकल्पग्रस्त हैं, उनकी जन भावनाओं का कहीं ना कहीं अनादर हो रहा है? नहीं, मैं इस बात को नहीं माना, अनादर का बिल्कुल, मैं पहले से बोल रहा हूँ। हाँ, हमारे लिए जितने बाला साहब श्रद्धेय हैं, उतने श्रद्धा हम दीवा पाटिल साहब के ऊपर रखते हैं। लेकिन आपने जो बोला गवर्नमेंट ऐसा इस तरह का निर्णय लेने जा रही है, अभी गवर्नमेंट के निर्णय के अनुसार जो कुछ होगा वो अच्छा ही होगा। लेकिन मेरा एक शिवसैनिक के नाते, एक जिला प्रमुख के नाते, मुझे जो लगता है कि दीवा साहब, दीवा पाटिल साहब के नाम का जो जय जयकार, वो शिवसेना ही करेगी। अच्छा। ये मेरा दावा है कि गवर्नमेंट दीवा पाटिल साहब को रिस्पेक्ट करती है और अच्छा उनका नाम करेगी, ये हमें विश्वास है, और इसके लिए हमें, हमारे पास कोई डिफरेंसेस नहीं है। लेकिन दूसरे जो लोग, जैसे आपने बोला, जो राजनीति उसमें लाने वाले हैं, वो दिमाग से काम करते हैं, उनको यहाँ से प्यार नहीं है। अगर यहाँ से प्यार होता तो दीवा पाटिल साहब को जब बाला साहब ने रायगढ़ से मेंबर पार्लियामेंट का टिकट दिया खासदार की का, उस टाइम उनको नहीं गिराते थे। उसके पहले उन्होंने 5 बार यहाँ पर विधानसभा का MLA रहे, विधानसभा में अपोजिशन लीडर रहे, विधान परिषद के सदस्य रहे, पेन के परवेल के नगराध्यक्ष, वो भी जनसमुदाय से चुन के आए, डायरेक्ट इलेक्शन। तो इतनी बड़ी तपस्या होने के बाद उनको आप रायगढ़ की जगह से शिवसेना ने टिकट देने के बाद आप गिराते हो, ये बात, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, कुछ लोग जब मुख्यमंत्री साहब को मिल के आने के बाद, मुख्यमंत्री साहब से उन्होंने जब वादा किया कि भाई बाला साहब के नाम को हम विरोध नहीं करें, उसके बाद में उनका जो दिमाग चला, वो लोग अपने दिमाग से काम करते हैं और उसमें राज निकल आया है। लेकिन बहुत सारे लोग जो दीवा पाटिल साहब पर श्रद्धा रखते हैं, वो यहाँ से करते हैं, हृदय से श्रद्धा करते हैं, उन्हीं लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। सर, दो आखिरी सवाल, एक तो सवाल ये कि क्या आपको समाधान इसका क्या नजर आता है, चूंकि अब प्रकल्पग्रस्त सड़कों पर उतरने के लिए तैयार हैं, वो मर मिटने के लिए तैयार है दीवा पाटिल के लिए, आपको इसमें समाधान क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैं तो एक शिवसैनिक के नाते मुझे समाधान दिखता है। आखिर में ये निर्णय गवर्नमेंट का है, सरकार तो दीवा पाटिल साहब के बारे में कुछ अच्छा ही प्रोजेक्ट सोचेगी, लेकिन वो मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैं यही बोलूंगा कि दीवा पाटिल साहब का जो नाम है वो दुनिया के आखिर तक इस इलाके में रहना चाहिए, इस तरह का उनका एक स्मारक या उनका नाम के लिए एक अच्छा कोई वास्तु या जैसे ये है वो बनना चाहिए, और उसको ना, वो गवर्नमेंट इस तरह का निर्णय लेना चाहिए ताकि दीवा पाटिल आखिरी तक अमर रहेंगे। आपने सर एक बात कही कि हम राज्य सरकार का जो उत्तरदायित्व तो है वो यहाँ से प्रस्ताव बनाकर सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजने का, ओवरऑल अब ये फैसला एक तरह से मोदी सरकार के पाले में जाएगा कि वो मोदी सरकार बाला साहब ठाकरे का नाम देती है या कोई और निर्णय लेती है। आपको नहीं लगता कि अगर मोदी सरकार ने इस नाम पर, इस प्रस्ताव को, अगर बाला साहब ठाकरे के नाम को अगर वो रोक देती है किन्हीं कारणों से, तो फिर उसका क्या परिणाम हो सकता है? देखिए, उनके अधिकार में अगर वो आता है तो रोक सकते हैं हर चीज को नाम देने के लिए। अब देखो, हम कॉर्पोरेशन में भी देखते हैं ना, हाँ जी, वही एक छोटा गार्डन को भी नाम देने के लिए उसके लिए नॉर्म्स है, वो नॉर्म्स देखे जाते हैं। अगर उस नॉर्म्स में बाला साहब का नाम नहीं बैठा और उन्होंने ना किया तो उनका अधिकार है, उसको क्या किया, आगे क्या किया जाए, डेमोक्रेसी। मैं ये नहीं बोल रहा हम इस तरह का एक्ट करेंगे, ये हमारा दावा नहीं है, लेकिन अगर उनके अधिकार में ये नाम नहीं बैठता है, वो नॉर्म्स में नहीं बैठता है, तो वो डिसीजन ले सकते हैं, बाद में डेमोक्रेसी में जो करना चाहिए वो हो जाएगा। एक आखिरी अपील सर आपसे चाहता हूँ मैं, प्रकल्पग्रस्त इस वक्त बहुत क्षुब्ध हैं,
उनका उनको ऐसा लग रहा है कि उद्धव सरकार जो है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं के खिलाफ निर्णय ले रही है। प्रकट वस्तुओं का कहना है कि हम अपने अस्तित्व और स्थानिक लोकाधिकार जो है उसकी मांग कर रहे हैं, हम अपने पहचान की मांग कर रहे हैं। तो क्या सरकार को अपनी जिद छोड़ के उनका क्या ये फैसला नहीं लिया जा सकता? दीपा पाटिल ये शिवसेना के नेता रहे हैं और हमारे लिए उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा है और हम ये बोलेंगे कि शिवसेना के तरफ से उनको हमेशा जय जयकार उनका हो जाएगा और वो शिवसेना ही करेगी, ये मेरा दावा है और ये मेरा मांग भी। सर बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का आपने जवाब दिया। जैसा कि आप सुन रहे थे शिवसेना के बेलापुर जिला प्रमुख विठल मोरे साहब को, आपसे जैसा कि आपकी सोच है और जो सरकार का रवैया है उसको लेकर आप अपने अपना पक्ष रख रहे थे। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकट वस्तुओं का जो आंदोलन है दीपा पाटिल को नाम दिलाने को लेकर और जो बाला साहब ठाकरे को नाम देने को लेकर जो सरकार का पक्ष है, इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा समाधान का रास्ता निकाला जाएगा ताकि आंदोलन भी ना हो और बात भी बन जाए। आज की बातचीत में बस इतना ही, दीजिए हमें इजाज़त, लेकिन दूसरी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV1 इंडिया। नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।